तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय कुमार और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल एडवांस चल रहा। तो आज की इस वीडियो में आपसे बताने वाला हूँ कि आप फोटोशॉप के अंदर ज्वाइंट फोटो कैसे बना सकते हो, जैसा कि अभी आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो। तो अगर आपके पास भी दो फोटो हो और उसे आप ज्वाइंट करके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में बनाना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और आप इसे बनाना सीख जाएंगे कि आप फोटोशॉप के अंदर ज्वाइंट फोटो कैसे बना सकते हो। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ज्वाइंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना फोटोशॉप ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फोटोशॉप ओपन कर दिया है। तो फोटोशॉप ओपन करने के बाद सिंपली भी आपको यहाँ पे दो फोटो कोई सा भी हो जिसे आप ज्वाइंट करके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में बनाना चाहते हो, तो सिंपली आप इसे सेलेक्ट करेंगे। तो मेरे पास ये दो फोटो हैं, तो मैं इन दोनों फोटो को ज्वाइंट फ़ोटो में बनाना चाहता हूँ पासपोर्ट साइज़ में। तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और ये यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको ओपन कर लेना है अपने फ़ोटोशॉप के अंदर। तो मैंने यहाँ पे दोनों फ़ोटो ओपन कर लिए हैं, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो मैं यहाँ पे पहले इस वाली इमेज पे कुछ काम करूँगा और उसके बाद आपको इस वाली इमेज पे काम करना है। तो मैं यहाँ से पहले इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ और इस वाली इमेज पे आते हैं, इसे बड़ा करते हैं। तो फोटो ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे लेयर पैनल को एक्टिवेट करना है। तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ से विंडोज़ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको लेयर का ऑप्शन दिख जाएगा। तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका लेयर का जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। तो ये इनेबल होने के बाद अभी आपको यहाँ पे सबसे पहले जो फ़ोटो को है वो क्रॉप करना है, क्योंकि इतना बड़ा हमें साइज़ नहीं चाहिए, हमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में ही बनाना है। तो सबसे पहले हम इसे क्रॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे आप क्रॉप टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी आपका विड्थ हाइट डाला हुआ है, तो सिंपली आप यहाँ से क्लियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये सभी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फ़ोटो को कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, जितना भी एरिया हमको चाहिए हम कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पे आप कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इधर भी कुछ, और इधर थोड़ा सा बढ़ा के हम कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। और ये सिलेक्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ पे स्टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये भी इमेज जो है वो भी हमारा क्रॉप हो चुका है। तो ये क्रॉप होने के बाद अभी इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे इस बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ से आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे लॉक का एक ऑप्शन दिख रहा होगा। तो सिंपली आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ओके पूछेगा, तो सिंपली आपको इस ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप ओके करेंगे तो ये भी इमेज जो है वो भी हमारा अनलॉक हो चुका है। तो अनलॉक होने के बाद अभी आपको इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो उसके लिए सिंपली भी आप यहाँ पे पेन टूल पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको ये फर्स्ट वाला जो पेन टूल है ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। और ये सिलेक्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ पे ये ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे आपको दूसरे नंबर जो ये ऑप्शन है ये आपको चूज रहना चाहिए और यहाँ पे आपको ये फर्स्ट वाला जो पेन टूल है ये आपका सिलेक्ट होना चाहिए। और ये सिलेक्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ पे इमेज को कुछ इस तरह से जूम करना है। तो इमेज को जूम करने के लिए आप यहाँ पे कंट्रोल और प्लस का जो आइकन होता है अपने कीबोर्ड में आप वो प्रेस करेंगे तो इमेज कुछ इस तरह से जूम होगा, और कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे ये कुछ इस तरह से जूम आउट होगा। और इतना जूम करने के बाद अभी आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से सिलेक्ट करना है अपनी इमेज को, जैसे मैं यहाँ पे अभी कर रहा हूँ। तो आपको भी कुछ इस तरह से इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है अपनी इमेज को। तो यहाँ पे आने के बाद अभी आपको यहाँ पे बाहर पे क्लिक करना है और यहाँ भी कुछ इस तरह से क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको बाहरी बार ये कुछ इस तरह से आपको क्लिक करना है अपनी इमेज को, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से क्लिक करते जाना है, और यहाँ पर आपको लास्ट में आके आपने जहाँ से शुरू किया था वहीं पर आपको कुछ इस तरह से मिला देना है। तो जैसे आप यहाँ पर मिलाएंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से सिलेक्शन बन के आएगा। तो ये सिलेक्शन बनने के बाद अभी आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखेगा मेक सिलेक्शन का, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन पूछेगा कि फेदर रेडियस आप कितना देना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है 2.5, ये आपको टाइप करना है और यहाँ से ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से सिलेक्शन बन के आएगा। तो ये सिलेक्शन बनने के बाद अभी आपको अपने कीबोर्ड में डिलीट जो बटन होता है वो आपको यहाँ पे एक बार ऐसे प्रेस करना है। तो जैसे आप डिलीट बटन प्रेस करेंगे ये भी हमारा जो बैकग्राउंड है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये बैकग्राउंड डिलीट होने के बाद अभी आपको यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करना है, यानी डी सेलेक्ट। तो जैसे आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये डिसलेक्ट हो जाएगा। तो ये इमेज का जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से हट चुका है। तो अब हम आते हैं दूसरे वाले इमेज पे। तो ये रहा मेरा दूसरा इमेज, तो इसे भी कुछ इस तरह से बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे जैसे कि मैंने इस वाले इमेज में किया था। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ पर क्रॉप कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से सिलेक्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ पर क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो ये क्रॉप हो जाएगा। तो क्रॉप होने के बाद अभी आपको इसका भी बैकग्राउंड रिमूव करना है।
तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। सेम ही प्रोसेस है जैसे मैंने उसमें रिमूव किया, सेम ही प्रोसेस आपको इसमें भी करना है। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से बाहर में सिलेक्ट करते हुए आपको यहाँ पे शुरू में आपने जहाँ भी सिलेक्ट किया था वहीं पे आपको कुछ इस तरह से आके मिला देना है। तो जैसे आप यहाँ पे मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरह से सिलेक्शन बन के आएगा। तो ये सिलेक्शन बने के बाद अभी आपको यहाँ पे इमेज पे डबल क्लिक करना है, और यहाँ से ओके करेंगे तो ये इमेज भी हमारा अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक होने के बाद अभी आपको यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, और यहाँ से मेक सिलेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ भी आपको फेदर जो है वो 2.5 का आपको दे देना है, और यहाँ से ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से सिलेक्शन बन जाएगा, और ये सिलेक्शन बनने के बाद अभी आपको अपने कीबोर्ड में डिलीट जो बटन होता है वो प्रेस करना है। तो जैसे आप डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो ये इसका जो बैकग्राउंड है वो डिलीट हो जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करना है यानी डी सेलेक्ट। और इतना होने के बाद अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे दोनों इमेज का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर दिया है। तो दोनों इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद अभी आपको यहाँ पे दोनों फोटो को जोड़ना है। तो वो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए सिंपली अभी आप यहाँ पे कंट्रोल एन प्रेस करेंगे। तो जैसे आप कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये न्यू फाइल का जो एक ऑप्शन है वो खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको प्रीसेट साइज पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको ये वाला साइज सिलेक्ट कर लेना है 2x3 ये आपको सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से इस ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप ओके करेंगे तो ये इमेज कुछ इस तरह से हमारा जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पे आएगा। तो इस वाले बैकग्राउंड को हम ब्लर करेंगे, और यहाँ से इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपको रोटेशन कैनवास पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको 90° CW पे क्लिक करना है। तो जैसे आप 90° CW पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज जो है वो भी हमारा रोटेट हो जाएगा। तो इस वाले इमेज को हम छोटा कर लेंगे, और ये छोटा करने के बाद अभी इसमें जो बैकग्राउंड कलर है वो ऐड करेंगे। तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ पे नीचे वाले कलर में क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपको जो भी बैकग्राउंड कलर अच्छा लगे आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कोई सा भी एक बैकग्राउंड चूज़ कर लेता हूँ। तो मैं ये वाला बैकग्राउंड यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ से ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, और उसके बाद आपको यहाँ पे मूव टूल को सिलेक्ट करना है, और इस वाले बैकग्राउंड पे ऐसे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल और डिलीट को एक साथ प्रेस करना है। तो जैसे आप कंट्रोल और डिलीट बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो भी कलर है वो यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो इतना होने के बाद अभी आपको इन दोनों इमेज को इसमें ऐड करना है। तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ पे इस वाले इमेज को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से कुछ इस तरह से पकड़ के आपको इस वाले इमेज पे लाके छोड़ देना है। तो इसका एक कॉपी बन जाएगा, और इसे यहाँ से कट कर देंगे, और इसी तरह से इस वाले इमेज को भी पकड़ के हम कुछ इस तरह से इस वाले इमेज पे लाके छोड़ देंगे। तो इसका भी एक कॉपी बन जाएगा, और इसे भी यहाँ से कट कर देंगे, और इसे नो करके यहाँ से कट हो जाएगा। और इस वाली इमेज को हम बड़ा करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वाली इमेज को कुछ इस तरह से छोटा करेंगे, क्योंकि ये इमेज अभी हमारा बड़ा है। तो इसे हम छोटा करेंगे। तो छोटा करने के लिए सिंपली अभी आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल और अल्ट को प्रेस करेंगे, और माउस से कुछ इस तरह से छोटा करेंगे तो ये आपका बराबर में बिल्कुल छोटा होगा। लेकिन आपको यहाँ पर कंट्रोल और अल्ट अपने कीबोर्ड में दबा के रखना है, तभी ये आपका ये कुछ इस तरह से छोटा बड़ा होगा। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इमेज को अपने इमेज के अनुसार यहाँ पर छोटा कर लेना है। और यहाँ पर जूम करते हैं, और इस वाले इमेज को और छोटा करेंगे थोड़ा सा, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐड कर लेना है अपने इमेज को, और इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो इतना होने के बाद अभी आपको यहाँ पे इस राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे इस वाली इमेज को सिलेक्ट करना है, जो भी ये दूसरा इमेज है आपको सिलेक्ट करना है, और इसी के बराबर आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से कंट्रोल और ऑल्ट प्रेस करके आप यहाँ पे कुछ इस तरह से बड़ा कर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर लेना, और ये बड़ा होने के बाद अभी आपको यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना होने के बाद अगर आप चाहते हो कि ये वाला इमेज आगे रहे हमारा, और ये वाला इमेज जो है वो पीछे रहे, तो उसके लिए सिंपली अभी आप यहाँ पे इस वाली इमेज को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे तो इसका एक लेयर शो करेगा। तो इस वाले इमेज को हम पकड़ के यहाँ पे कुछ इस तरह से ऊपर करेंगे तो ये इमेज जो है वो अभी हमारा आगे आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप जो भी इमेज को आगे लाना चाहते हो तो सिंपली आप इसे सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से उसका लेयर यहाँ पर सबसे ऊपर में रखेंगे, तो ये इमेज अभी हमारा ऊपर में आ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से जो भी इमेज आगे में रखना चाहते हो आप यहाँ पर रख सकते हो। तो ये इतना होने के बाद अभी आपको यहाँ पर सभी लेयर को लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए अभी आप यहाँ पर इस लिंक वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो ये लिंक हो जाएगा, और लिंक करने के बाद अभी आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल ई को प्रेस करना है। तो जैसे आप कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो ये जितना भी इमेज था वो भी हमारा एक ही इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतना होने के बाद अभी आपको यहाँ पे इसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो होता है उसके साइज़ में आपको कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए सिंपली अभी यहाँ पर फिर से क्रॉप टूल पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपको विड्थ जो है वो टाइप करना है,
1.6 इंच ये आपको टाइप करना है विथ में, और यहाँ से हाइट में आपको टाइप करना है 1.2 इंच, और ये हाइट में आपको 1.2 इंच टाइप करने के बाद अभी आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन वाले ऑप्शन पे आना है, और यहाँ से आपको टाइप करना है 300, और यहाँ पे 300 टाइप करने के बाद अभी आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आना है, और यहाँ से आपको पिक्सल इंचेज जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, और ये इतना सेटिंग करने के बाद अभी आपको यहाँ पे इमेज को कुछ इस तरह से क्रॉप करना है जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आपको इमेज को कुछ इस तरह से क्रॉप करना है, जितना भी आपको एरिया चाहिए आप यहाँ पे कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ये सिलेक्ट करने के बाद अभी आपको यहाँ पे स्टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये अभी इमेज जो है वो अभी हमारा पासपोर्ट साइज़ में क्रॉप हो चुका है। तो ये इतना होने के बाद अभी आपको यहाँ पे इस फोटो को छोटा करना है, और इसे आपको बहुत सारे इमेज में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए सिंपली अभी आप यहाँ पे कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, और यहाँ से आपको प्रीसेट साइज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको A4 साइज़ का जो ऑप्शन है ये आपको चूज़ कर लेना है, और यहाँ से ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप ओके करेंगे तो ये अभी हमारा A4 साइज़ का जो पेपर है वो आ चुका है। तो इतना होने के बाद अभी आपको यहाँ पे मूव टूल को सिलेक्ट करना है, और इस वाली इमेज को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से मूव करेंगे तो इसका एक कॉपी बन जाएगा, यानी कि आपको इस वाली इमेज को पकड़ के यहाँ पे छोड़ देना है तो इसका एक कॉपी बन जाएगा। और ये कॉपी बनने के बाद अभी आपको यहाँ पे इस वाली इमेज को यहाँ से कट कर देंगे, और इस वाली इमेज पर आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये भी इमेज जो है वो भी हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो ये ऐड होने के बाद अभी आपको यहाँ पे सबसे पहले एडिट मेन्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ से स्टॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप स्टॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये स्टॉक का जो ऑप्शन है वो खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको स्टॉक आप अपने हिसाब से यहाँ पे दे सकते हो, जिसको हम लोग यहाँ पे बॉर्डर भी कहते हैं। फ़ोटो के चारों साइड जो बॉर्डर लगता है वो स्टॉक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको स्टॉक जितना भी लगाना हो आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 5 पिक्सल ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ पे 5 टाइप करने के बाद अभी आपको यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से ब्लैक कलर को चूज़ करके आपको यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपको सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक कराना चाहिए, और यहाँ से ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये इमेज के चारों साइड यहाँ पे बॉर्डर लग चुका है। तो ये बॉर्डर लगने के बाद अभी आपको यहाँ पे इसका बहुत सारा कॉपी बनाना है, आप जितना चाहे उतना कॉपी बना सकते हो। तो उसके लिए सिंपली अभी आप यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। तो जैसे आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको ये बहुत सारा ऑप्शन खुल के आएगा। तो यहाँ पे आपको ऊपर में एक रोटेट का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पे आना है, और यहाँ से आपको टाइप करना है 90, और यहाँ से 90 टाइप करने के बाद अभी आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। तो जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये इमेज जो है वो अभी हमारा 90 डिग्री में रोटेट हो जाएगा। तो ये रोटेट होने के बाद अभी आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे लगा देना है, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा खाली छोड़ना है। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से लगाना है जैसे मैं यहाँ पे भी लगा रहा हूँ। तो ये लगाने के बाद अभी आपको इसका बहुत सारा कॉपी बनाना है। तो कॉपी बनाने के लिए आप यहाँ पे शिफ्ट और ऑल्ट को प्रेस करेंगे, और माउस से आप कुछ इस तरह से खींचेंगे तो इसका एक कॉपी बन जाएगा, और इसी तरह से आपको यहाँ पे शिफ्ट और ऑल्ट को प्रेस करना है, और माउस से कुछ इस तरह से खींचेंगे तो इसका कॉपी बनता चला जाएगा, और यहाँ से और एक कॉपी बना लेंगे, और उसके बाद और एक कॉपी, और फिर से एक कॉपी बना लेंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे ये देख सकते हो यहाँ पे ज़्यादा गैपिंग हो चुका है। तो आपको इस वाली इमेज को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड का जो एरो की होता है उसे आप यहाँ पे कुछ इस तरह से माइनस करेंगे तो ये भी हमारा यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ऊपर नीचे बाएं दाएं सब कर सकते हो अपने एरो की मदद से। तो यहाँ पे अपने इमेज के अनुसार यहाँ पे आपको फिट कर लेना है अपने बॉक्स के अनुसार। तो ये होने के बाद अभी आपने जितना भी कॉपी बनाया है तो उन सभी का लेयर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको सभी लेयर को लिंक करना है, और लिंक करने के बाद अभी आपको सिर्फ बैकग्राउंड को छोड़ देना है, बाकी सभी लेयर को आपको यहाँ पे लिंक कर देना है। और लिंक करने के बाद अभी आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल ई प्रेस करना है। तो जैसे आप कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सभी इमेज जो है वो एक ही इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ आपका बैकग्राउंड छोड़ के बाकी सभी एक ही इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतना होने के बाद अभी आपको यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस करना है, और यहाँ से आपको इस सेंट्रल वाले बटन पर क्लिक करना है। तो ये इमेज जो है अभी हमारा सेंटर में आ जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसका और कॉपी बना सकते हैं। तो उसके लिए फिर से आपको यहाँ पर शिफ्ट और ऑल्ट को प्रेस करना है, और माउस से नीचे करेंगे तो इसका एक कॉपी बन जाएगा। तो इसी तरह से आप जितना भी कॉपी बनाना चाहें आप बना सकते हो, सिर्फ आपको अपने कीबोर्ड में शिफ्ट और ऑल्ट को प्रेस करना है और माउस से नीचे करना है। तो यहाँ पे आप जितना भी कॉपी बनाना चाहें आप यहाँ पे बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे फुल कर देता हूँ, जितना भी कॉपी आप बनाना चाहें आप बना सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से फुल कर दिया है। तो आपको जितना भी कॉपी चाहिए आप यहाँ पे बना सकते हो। तो ये कॉपी बनाने के बाद अगर आप इसे सेव करना चाहें तो सेव भी कर सकते हो। तो सेव करने के लिए सिंपली आप यहाँ से फाइल पर क्लिक करेंगे, सेव एज पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपको जहाँ कहीं भी सेव करना हो आप यहाँ पे कर सकते हो, और यहाँ से जो भी फॉर्मेट में सेव करना हो, जैसे मैं यहाँ पे JPG को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से जो भी नाम देना चाहें आप यहाँ पे दे सकते हो। और उसके बाद आपको यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप ओके करेंगे तो ये भी हमारा सेव हो चुका है। तो मैं आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मैंने ये इमेज अभी यहाँ पे ओपन कर दिया है।
तो ये भी इमेज है वो अभी हमारा सेव हो चुका है। तो आप भी अपनी फोटोशॉप के अंदर इस तरह का ज्वाइंट पासपोर्ट साइज फोटो बना सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।